हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर विद ए न्यू एंड पॉजिटिव थॉट। अगर चलने की शुरुआत नहीं करोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे कैसे, मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? अगर हार से डरोगे तो जीतोगे कैसे, जीतोगे कैसे? तो बच्चों, छोटी सी बात है, कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी और डेफिनेटली करनी पड़ेगी, सक्सेस हमें ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथ्स का नया चैप्टर सर्कल्स, बिल्कुल अच्छे से जीरो से एडवांस लेवल। तो आइए सीखते हैं हम सर्कल्स के बारे में, और स्पेशल डिज़ाइन किया गया है VLDA 2021 के लिए। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे सर्कल होता क्या है। तो सर्कल क्या है, इज़ ए सेट ऑफ पॉइंट्स एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट कॉल्ड सेंटर। कि सेंटर से ये जो पॉइंट्स का जो सेट है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ये पॉइंट्स का सेट है बच्चों, और इस सेंटर से ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। जिसको इसके बाद क्या है, द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द एज ऑफ सर्कल, यानी ये जो आपको लाइन दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। और बच्चों यहां से यहां मिला दें तो ये पूरी लाइन आपकी डायामीटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डायामीटर। और जो रेडियस होती है ना बच्चों, वो डायामीटर की आधी होती है। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी। ठीक है, उसके बाद देखिए छोटे छोटे जो इसके कंसेप्ट्स हैं, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये, इसको हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। और सबसे बड़ी सर्कल की जो कॉर्ड है बच्चों, वो है डायामीटर। क्या है, डायामीटर। और ये जो बाहर की जो बाउंड्री है बच्चों, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है, यानी वृत्त की परिधि। और ये जो सारा एरिया है ये, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल पे जो टेंजेंट होती हैं उसको हम कैसे पहचानते हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। कि एक टेंजेंट वो लाइन होती है जो एक सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। क्या करती है, टच करती है, उसको हम कहते हैं टेंजेंट टू ए सर्कल। एंड देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगी। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे टेंजेंट क्या होती है। देखो ये जो लाइन है एक ही पॉइंट पे टच कर रही है ना, तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल। ठीक है, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है, तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है जो सर्कल पे, सर्कल का और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, सीकेंट। सीकेंट क्या होती है बच्चों, ए सीकेंट टू ए सर्कल इज लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल टू पॉइंट्स। जो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हो, टू पॉइंट्स पे। जैसे देखिए बच्चों ये वाली जो लाइन है, एक यहां टच कर रही है और एक यहां टच कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीकेंट। एक्स वाई हमारी क्या है, सीकेंट। और ए बी हमारी क्या है बच्चों, टेंजेंट। समझ गए बात भाई, सीकेंट और टेंजेंट में डिफरेंस क्लियर हो गया। कि टेंजेंट है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगी, और जो सीकेंट है वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई है बच्चों। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजा देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब देखिए बच्चों आगे नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, थ्योरम आती है भाई। अब यहाँ टेंथ क्लास में जब हम थे ना, तो हमें थ्योरम्स प्रूफ करने की जरूरत पड़ती थी, बट अब यहाँ हमें थ्योरम्स को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस माइंड में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको अप्लाई करना सीखेंगे, बट इतना ज़्यादा इनका वो नहीं होता, बस इनको थोड़ा सा माइंड में सेट करना है, भी ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो देखिए थ्योरम क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल।
कि सर्कल पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होगी टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो हम रेडियस ड्रॉ करेंगे उसके परपेंडिकुलर होगी। अब ये परपेंडिकुलर कैसे होगी बता देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज़ बताने के लिए ही तो हम यहाँ हैं। जैसे देखो ये जो पॉइंट है ओ, ओ से सी की जो रेडियस होगी आपकी, ओ से सी की जो रेडियस होगी वो क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी। वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। तो ध्यान रख लेना इस चीज़ को भाई, गजब गजब की सी बातें रहेगी, छोटी छोटी बातें रहेगी जो आपके चैप्टर को क्या करेगी, आसान करेगी। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। अब ये कह देता एक पॉइंट पे कितनी होगी, तो एक पॉइंट पे तो एक होगी, ठीक है। कितनी टेंजेंट हो सकती है, मान लो कि ये आपका सर्कल है, तो इसकी कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक छोटी सी बात है, ठीक है। बताओ ध्यान से, अच्छे से बताओ, लाइव चैट में आंसर जरूर देना भाई, कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों एक छोटी सी बात आप सोचिए कि सर्कल है आपका, सर्कल क्या है, पॉइंट्स का ग्रुप है, इसकी थोड़ी थोड़ी दूरी पे क्या है, पॉइंट्स हैं जो एक सेंटर वाले पॉइंट से क्या है, फिक्स डिस्टेंस पे हैं। तो हमने एक छोटी सी बात अभी सीखी थी कि एक पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, तो आपने कहा था एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं, आप कहोगे सर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर इनफाइनाइटली मैनी जो टेंजेंट्स हैं हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट, दैट ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्टेड इन डैश पॉइंट्स, कि एक सर्कल को एक टेंजेंट कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो भाई फटाफट से आंसर दे दो, बड़े गजब का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको आता है क्योंकि अभी बताया था। तो ये टेंजेंट है एक सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, भाई एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, कि अगर एक लाइन एक सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो मैंने आपको बड़े अच्छे से थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों कि जो एक सर्कल को दो पॉइंट्स पे जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं, सीकेंट। अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा पीछे आ जाओ, दिखा देता हूँ भाई। यहाँ देखो, ये हमने कहा था दो पॉइंट पे टच कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे, सीकेंट। अब देखिए साथियों नेक्स्ट क्या है, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना भाई। उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और बच्चों इसके साथ साथ अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको हमारी सारी पीडीएफ फाइल्स मिल जाएगी। इसके साथ साथ बच्चों वीडियो के बारे में अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर किसी तरह का कोई सुझाव है, किसी तरह का कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कि एक सर्कल है, सर्कल के पास कितनी जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं एट मोस्ट हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं। तो बच्चों टेंजेंट्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, फटाफट से एक बार इसका आंसर दे दो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा आसान है, उम्मीद है आपको आता भी होगा, ठीक है। बड़ा गजब का क्वेश्चन है यार, आसान सा क्वेश्चन है, मेरे को उम्मीद है आप फटाफट से इसका लाइव चैट में आंसर दे दोगे। तो बच्चों यहाँ आपने जो आंसर दिया वो है, सर्कल कैन हैव एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट्स। अब टू पैरेलल टेंजेंट्स कैसे होगी उसको समझिए, कि जैसे बच्चों ये हमारा सर्कल है,
एक टेंजेंट तो ये हो गई, दूसरी इसकी वर्टिकली ऑपोजिट यानी 90 डिग्री पे जो होगी वो ये वाली। तो ये जो एक्स वाई है ये पैरेलल हैं किसके, ए बी के। तो पैरेलल के बारे में आप अच्छे से जानते ही हो बच्चों, पैरेलल लाइंस वो होती है जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, उनके बीच की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो एक समय में हम एक सर्कल पे कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप कहोगे बच्चों 2 ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, इसने कहा कि जो कॉमन पॉइंट होगा सर्कल की टेंजेंट पे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिपीट किया था, पहले आप लाइव चैट में इसका आंसर दे दो, फिर मैं आपको बताता हूँ भाई इसका आंसर क्या रहने वाला है। उम्मीद है आप लोग फटाफट से मेरे को बता दोगे, क्योंकि गजब गजब के क्वेश्चंस है यार, और इनके जवाब आप दे सकते हो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दे सकते। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, इतना काम ज़रूर कर दिया करो यार, कोई पैसे नहीं लगते आप लोगों के, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे हम। जैसे ये सर्कल है भाई, ये हमारी टेंजेंट है, तो यहाँ जो रेडियस जो मिलेगी, ये जो पॉइंट है जहाँ ये टच करेगा, इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गजब का क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग इसको भी कर दोगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भाई, और पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो इसको ध्यान से समझो, सबसे पहले ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी क्यू इज। तो बड़ा गजब का क्वेश्चन है यार, फटाफट से करके बता दो, अदरवाइज मुझे तो करना ही करना है, आंसर बता दो इसका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले ये हमारा सर्कल हो गया बच्चों, ये कोई टेंजेंट हो गई, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया ओ, ठीक है। इस टेंजेंट को हमने यहाँ टच कर रही है, तो इसको नाम दिया पी और क्यू, ठीक है ना। तो फिर इसने हमें क्या कहा, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर, सेंटर से जो एक लाइन है वो पी पे मीट करती है ऐसे, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों 5 है, और जो पी क्यू है बच्चों ओ क्यू है बच्चों, ठीक है ना, ओ क्यू, ओ क्यू यानी ये वाला, ये कितना है आपका 12 है। निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू तो आप निकाल ही दोगे, क्योंकि हमने एक छोटी सी बात अभी सीखी थी कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो ओ पी क्यू ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ओ पी का स्क्वेयर बराबर होगा किसके, हाइपोटेनियस के यानी ओ क्यू के स्क्वेयर के। तो निकालना क्या है बच्चों, पी क्यू निकालना है। ओ पी कितना है हमारा 5 है, 5 का स्क्वेयर कर दो, 12 का स्क्वेयर कितना होता है 169, ठीक है। ओ क्यू कितना है 12 है। अब पी क्यू निकालना है, पी क्यू का स्क्वेयर इधर हो जाएगा और 144, 12 का स्क्वेयर 144 माइनस 25 होगा, तो 112 में से 144 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 19। और पी क्यू निकालना है, उधर स्क्वेयर है तो इधर स्क्वेयर रूट कर दो, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, स्क्वेयर रूट 119, ठीक है, स्क्वेयर रूट 119। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये थे हमारी जो एक्सरसाइज थी, इसका इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद कल या परसों 2 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, आपका मैथ्स का सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसकी हम प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे। और डोंट वरी, आपका केमिस्ट्री भी करवाएंगे, फिजिक्स भी करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, बस आप लोगों को जितनी क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आप डेली 2 बार देख लिया करो, ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना रहे और जो एडमिशन है आपका कन्फर्म हो जाए। तो कन्फर्म एडमिशन करने के लिए क्या करना है, हर एक वीडियो को 2 बार देखना और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं बच्चों, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलने वाला। और जो इनके ऊपर MCQs है वो हम आपको हमारे जो स्टडी ग्रुप है उसमें प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है बच्चों। डिस्क्रिप्शन, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका हमने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहां से आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चों, क्योंकि आगाज तो कर अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी, आगाज तो कर अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।